नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि इलायची का पाउडर घर में आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इलायची का पाउडर बनाने के लिए यहां पे मैंने हरी वाली इलायची ले ली है। इसको अब हल्का सा आपको भून लेना है। मैंने इसे एक दिन के लिए धूप में भी डाला था। आप देख सकते हैं इसकी जो आवाज़ है एकदम खनखन की आवाज़ आ रही है। लेकिन इसको हल्का सा भून लेने से क्या होगा कि इसको लंबे टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं, और उसके अलावा इसको जब हम ग्राइंड करेंगे तो इसे पीसने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर ये अच्छे से भुनी हुई रहेगी। तो इसको भून लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हमने इसे भून लिया है और ये देखिए अच्छे से ये भून भी चुकी है। तो अब गैस के फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। हमने जो इलायची को भूना था वो अब ठंडी हो चुकी है, तो इसको मिक्सी के जार में हम डाल देते हैं। हरी इलायची का जो पाउडर है वो अगर आप स्वीट डिश में डालने के लिए बनाते हैं तो उसमें जितना इलायची है उतना ही आपको चीनी लेना चाहिए, और दोनों चीज़ों को एक साथ डाल करके ग्राइंड करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ हरी इलायची का पाउडर बनाना बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं चीनी नहीं डालूँगी। चीनी मैं सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि जब आप 1 चम्मच चीनी डाल के इलायची को अच्छे से ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल बारीक पीस जाती है। अगर चीनी ऐड नहीं करेंगे तो थोड़ी सी मोटी रह जाती है, इसलिए सिर्फ 1 चम्मच चीनी ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी मिठाई या फिर स्वीट डिश के लिए स्पेशली आप इलायची का पाउडर बना करके उसको लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो जितना आपने इलायची लिया है बिल्कुल सेम क्वान्टिटी में आपको चीनी लेनी है, और दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना करके आपको उसे स्टोर करना है। जितने दिनों तक चाहे आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैप लगा लिया है, अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ, और ये देखिए कितना अच्छा इलायची का पाउडर हमारा बन करके रेडी हो चुका है, बिल्कुल भी मोटा नहीं है। तो अगर आप मार्केट से इलायची पाउडर खरीदने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत खरीदिए। इसी तरीके से आप साबुत वाली हरी इलायची मार्केट से खरीद लीजिए और घर पे ही उसका पाउडर बना लीजिए। इसके रेट में और इलायची के पाउडर के रेट में दोनों में बहुत फ़र्क रहता है, इसलिए इलायची का पाउडर आपको मार्केट से बिल्कुल कभी भी नहीं ले खरीदना चाहिए। आप आसानी से इलायची का पाउडर घर में ही बना सकते हैं और उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।